का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे। तो हाथरस में हुई भगदड़ कांड की तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन ये अंदाजा शायद ही किसी को लगा हो कि जिस बाबा के दरबार में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो इतना प्रभावशाली होगा कि सियासत के बड़े बड़े चेहरे उसके इर्द गिर्द घूमते होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा के बंद दरवाजे से आई एक और चौंकाने वाली तस्वीर। बाबा सूरजपाल ने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक फैला रखा है, इसकी पूरी डिटेल आने में वक्त लगेगा, लेकिन नारायण साकार हरि की शुरुआती तफ्तीश में उनके रसूख की कहानी हर किसी को चौंका रही है। और इस रसूख की सबसे बड़ी वजह है बाबा सूरजपाल का जाटव बिरादरी से आना। एससी एसटी और ओबीसी में बाबा की गहरी पैठ बताई जाती है। बीएसपी की सरकार में बाबा सूरजपाल की तूती बोलती थी। जाटव बिरादरी में बड़े रसूख के चलते लाल बत्ती वाले मंत्री उनके इर्द गिर्द घूमते थे। एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ जैसे इलाकों में बाबा का जाटव वोट में इतना क्रेज है कि राजनीतिक दल के नेता उनके साथ मंच शेयर करते रहे हैं। खुद यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पिछले साल जनवरी में इनके सत्संग में शामिल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर बाबा की महिमा का गुणगान कर चुके हैं। सूरजपाल के कद और रसूख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके एक इशारे पर इनके भक्त राजनीतिक दलों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रही बात बाबा के राजनीतिक रसूख की, लेकिन अब उनकी कहानी भी सुन लीजिए, जिनकी नजर में बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का कद भगवान की तरह है। कासगंज की पटियाली तहसील का ग्राम बहादुरपुर, यानी वो जगह जहां से इनके सत्संग के मायाजाल की कहानी शुरू होती है। कभी साधारण से मकान में सूरजपाल जाटव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, लेकिन सत्संग ने सूरजपाल की जिंदगी को ऐसा बदला कि देखते ही देखते देश भर में उनके लाखों अनुयायी बन गए और खुद बाबा अरबों की संपत्ति के मालिक। भले ही अब बाबा को भगदड़ कांड का मेन विलेन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई बाबा को दोषी मानने को तैयार नहीं है। क्या चमत्कार है ये? चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार परमात्मा है। वो चमत्कार क्या है? बाबा परमात्मा है। परमात्मा, आप लोग उनको परमात्मा मानते हैं? जी, हमारे भूत प्रेतों के चक्कर में भी परेशान थे हम, जो वैसे आपको बताएं, और यहाँ आने जाने से हमारे सारे कष्ट कटे और हमें जो है हमेशा फायदा हुआ है। हमें यहाँ कोई और निःशुल्क मतलब जो है ना कोई चढ़ावा है ना कोई चंदा है। हम जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कि कैसे एक साधारण से इंसान ने मासूमों का भरोसा जीतकर अरबों की संपत्ति और रसूख अर्जित किया। सूरजपाल बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। इस बार बाबा के पड़ोसी ने उनके बारे में बड़ा पर्दाफाश किया है। पड़ोसी महिला का कहना है कि बाबा के पास मोहिनी मंत्र है और इस मंत्र का इस्तेमाल वो महिलाओं पर करते थे। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि इस मोहिनी मंत्र से महिलाएं सम्मोहन में जकर जाती थी। भगदड़ कांड में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और सत्संग में महिलाएं अक्सर यहां पर ज्यादा संख्या में आती थी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बाबा सूरजपाल के राज सामने आ रहे हैं हर कोई हैरान है। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा के दरबार में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती थी और वो दरबार में महिलाओं के साथ नाचते भी थे। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है, उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पर जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसका। इस गांव की महिलाओं ने बाबा सूरजपाल के दरबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में, हाँ कोई प्यार धुल के पीती है इनकी, जब बीमारी सब दूर हो जाती है तो हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो इससे बात करते हैं। इस गांव की महिलाओं ने बाबा को लेकर जो बयान दिया वो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। वहीं आतंक आदि में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में सेवादार थे और भगदड़ मचने के बाद वो वहां से फरार हो गए थे।
विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। बारह में